अभी जिंदगी बनेगी कि जिंदगी बिगड़ेगी, कितने लोग बने, कितने लोग अधिकारी बने, रिटायर हुए, लेकिन वे तो उसी तरह से रो रहे हैं, दुखी हैं। वे नहीं कह रहे हैं कि जिंदगी हमारी बन गई। तुम अभी बने भी नहीं हो, कह रहे हो जिंदगी हमारी बन जाएगी। कह रहे नहीं बन जाएगी, आगे का तर्क आदमी नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि वो उतना ही तक सीमित रहता है, उतना ही में वो ख्वाब देखता है। खैर हुआ भी ऐसा, वो आईपीएस में सिलेक्शन उसका हो गया और आंध्र प्रदेश का कैडर उसको मिला, आंध्र प्रदेश चला गया। और बहुत उसने पार्टी वार्टी दे दी सबको, बहुत खुश था कि मैं तो हो गया, अब मेरी जिंदगी बन गई। अब आंध्र प्रदेश में चला गया, उसकी शादी भी हो गई थी, और शादी भी हुई तो कस्टम अधिकारी से हो गई, और डबल खुश हो गया कि मैं भी खूब कमा रहा हूं, मेरी पत्नी भी खूब कमा रही है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पोस्टिंग अलग हो गई, वो मुंबई चली गई और वो आंध्र प्रदेश में, और पति पत्नी की दूरी हो गई। और मनुष्य जो कामनाओं के वश भूत है, तरह तरह की कामनाओं को करता है कि इतना धन कमाऊंगा, ये कमाऊंगा, वो कमाऊंगा। जहां काम है, और काम के दो नाम है, एक काम जो काम वासना का है और एक काम कार्य का, ये दोनों ही काम है। और दोनों का नाम इसीलिए रखा गया है कि काम वासना से ही जो है हम काम करते हैं, जिसमें काम वासना निकल जाती है उसके माध्यम से जो काम होते हैं उसको निष्काम कहा जाता है। कर्म तो उसके माध्यम से ही प्रकट होते हैं, लेकिन उसको निष्काम कहा जाता है। तो जो कामना वाला काम है, तो वह काम है उसी भूत, तो वो वहां पर चली गई, ये यहां पर रह गया, वहां पर वो किसी मिलिट्री के अधिकारी से फंस गई। अब धीरे 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 जो है उसका ऐसे अलगाव दुराव शुरू हो गया, झगड़ा। अब उसको जिंदगी के कुछ मायने समझ में आने लगे। फिर वहां पर आतंकवादी ग्रुप है पीडब्ल्यू जी का, उन लोगों ने उपद्रव शुरू किया। अब उसको बाद में जब उपद मिलने के बाद पता चलता है ना खामियों का, शुरू में तो पता नहीं चलता, जब उसमें जाते हैं तब पता चलता है कि वो जो लॉलीपॉप आपको दिखाया गया है उसके भीतर में क्या क्या है। अब उसको उसका नेगेटिव पॉइंट समझ में आने लगा कि अरे ये तो सबसे खराब चीज है पुलिस अधिकारी बनना। पूरी दुनिया जो है जब सो रही है तो मैं जाग रहा हूँ, पहरेदार बन गया हूँ, मैं अच्छा से सो नहीं सकता, 24 घंटे ड्यूटी है। फिर बाद में आ करके रोना सुनाना शुरू कर दिया। जब लोग होली दीपावली दशहरा मना रहे हैं तो मैं खड़ा होकर के डंडा लेकर के रूल लेकर के घूम रहा हूँ, कहीं कोई दंगा ना हो, कहीं कुछ ना हो, कभी भी त्योहार नहीं मना पाऊंगा, कभी अपने घर वालों के बीच नहीं जा पाऊंगा, मेरा तो जीवन इसमें नरक हो गया। अब वो जीवन को अलग ढंग से परिभाषित करना शुरू कर दिया। जिंदगी में क्या सफलता है, क्या असफलता है, जिस वक्त आदमी जब मरने लगता है ना, उस वक्त कैलकुलेशन का चलता है। जब हम लोग मृत्यु करीब पहुंचते हैं तो काफी तेजी से, जैसे सिनेमा का रील घूमता है, उसी तरह से तेजी से आपको 5-7 मिनट के अंदर में पूरे जीवन चक्र को घुमा देगा, दिमाग सारी यादों को समेट के आपके सामने ला देगा। और आप उतने समय में आप तुरंत समझ जाएंगे मैंने कहां गलती की, कहां गलती नहीं की, लेकिन तब आपके पास ऊर्जा नहीं रहेगी कुछ करने के लिए, आप सिर्फ चलचित्र सिनेमा की तरफ उसको देख सकेंगे और मन में सीख सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, इतनी ही जिज्ञासा आप में उसमें होगी। और जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता है तो उसकी जिज्ञासा इस जिंदगी में कम हो जाती है। जब आदमी 60 वर्ष की उम्र को पार करता है तो उसकी जिज्ञासा इस जीवन से घटने लगती है, क्योंकि उसको मालूम पड़ने लगता है कि अब यह जिंदगी मुझसे बेवफाई करने वाली है, और तब मृत्यु के प्रति जिज्ञासा उसमें जागने लगती है कि मरने पर क्या होगा, कैसे मृत्यु होती है, मरने के बाद में बचूंगा कि नहीं बचूंगा। फिर उसका जीवन चक्र अलग ढंग से चलता है, वो वहां से मरण चक्र शुरू हो जाता है जब आप मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं। तो जिज्ञासाएं अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह की होती चली जाती है, लेकिन वह जिज्ञासा जो हमें जीवन और मृत्यु से बाहर ले जाए, वह जिज्ञासा जो हमें तमाम तरह के विचारों से बाहर ले जाए, जो हमें तमाम तरह की भौतिक उपलब्धियों से बाहर ले जाए, उस तरह की जो जिज्ञासा,
आध्यात्मिक जिज्ञासा, उसी का भगवान ने उपदेश दिया है, वही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। और आपकी वह जिज्ञासा जो उस मार्ग को उकसाती है, वही जिज्ञासा वास्तविक जिज्ञासा कही जाएगी। अन्यथा जिज्ञासाएं तो बहुत तरह की होती हैं, इन तरह की जिज्ञासाओं का भी कुछ मतलब है। मान लीजिए कि हम रसायन शास्त्र की जिज्ञासा ले लें, या भौतिक विज्ञान की ले लें, या बायोलॉजी की ले लें, या मैथमेटिक्स की ले लें, या दर्शन शास्त्र की ले लें, ये सब भी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी को नहीं बदल पा रहे। हमने सुविधाएं बहुत दे दी, आप देखेंगे जब मनुष्य कंदराओं में रहता था तब, और जब मनुष्य आज रह रहा है तब, आप देखेंगे इसमें आप मौलिक रूप से देखेंगे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं पाएंगे आप। ये वस्तुएं बदल गई है, लेकिन मनुष्य मौलिक रूप से वैसे रहा, वही कामनाएं हैं, वही क्रोध है, वही लोभ है, वही मोह है। कलराओं के समय में जब आदमी था उसमें भी उतना ही मोह था जितना कि आज के लोगों में। उस वक्त जितनी काम वासनाएं थे उतनी आज भी है, उस वक्त जितना मन में घृणा उपस्थित थी उतनी घृणा आज भी बचती है। यानी मौलिक रूप से जो हम बचे हुए हैं, जो हमारा मूल बिंदु है कामनाओं का, वह अभी बरकरार है, उसमें हम बदलाव नहीं कर पा रहे। वैसे चीन ने दावा किया हम डिजाइनर बेबी बना दिए, जिसमें कि हम डीएनए से छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से पैदा कर देंगे आदमी को, उसमें जो बीमारियां हैं उसको निकाल देंगे, उसमें डीएनए बदलाव करके। तो उसमें जो क्रोध का डीएनए उसको भी निकाल देंगे, जो काम वासना का डीएनए उसको भी निकाल देंगे। हाँ, यानी हम जैसा चाहेंगे वैसा उसका डीएनए बना करके और आदमी को प्रस्तुत कर देंगे। इस तरह के डिजाइनर बेबी का दावा चीन के वैज्ञानिक कर रहे हैं, अन्य जगह के वैज्ञानिक जो है उसमें लगे हुए हैं उस तरह के शोध में। लेकिन क्या हमारे डीएनए में बदलाव कर देने से हम लोग के भीतर में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, घृणा है, हिंसा है, तमाम तरह के जो है और जो कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, क्या हम इसे छुट्टी पा जाएंगे? और जो छुट्टी हम पा जाते हैं इस सबसे, तो फिर हमारा अस्तित्व कैसा रहेगा? यदि ये कल्पना करने की चीज हो जाएगी फिर कि तब हमारा अस्तित्व कैसा रहेगा, तब हमारा जीवन कैसा रहेगा? क्या ये सब चीजें छोड़ देने लायक ही है? एक बहुत बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है। भगवान ने काम से, क्रोध से मुक्ति की बात की है, परंतु भगवान ने खुद ही ये कहा है कि मैं ही कंदर्प हूं। फिर उन्होंने कहा है मैं ही काम से हो। यदि इस अस्तित्व को काम से इतनी चीज होती तो फिर काम उत्पन्न क्यों क्या होता? क्रोध से इतनी चीज होती तो क्रोध हमने डाला ही क्यों होता? अरे रोग से इतनी चीज होती तो रोग होते ही क्यों? यानी इन सब की उपयोगिता है, रोग की भी उपयोगिता है, हिंसा की भी उपयोगिता है, क्रोध की भी उपयोगिता, सब की उपयोगिता है। जिसे ब्रह्मचर्य उपयोगी है उसी तरह से काम वासना भी उपयोगी है। इसलिए भगवान शिव ने कहा गया कि जब कामदेव को भस्म किया तो सब देवता आ गए कि अरे कामदेव को भस्म कर देना सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि के लिए तो कामदेव होना चाहिए, कामनाएं होनी चाहिए, यानी विकास के लिए तो ये अनिवार्य चीज है। विकास कैसे होगा? तो हम इस सृष्टि से बैर करके, क्रोध से बैर करके, घृणा से बैर करके हम कभी भी सफल नहीं हो सकते इस पूरे अस्तित्व को वास्तव में जानने के लिए। पूरे अस्तित्व को जानने के लिए हमको उसे घृणा नहीं करनी है। ऐसे ऐसे संत मिले आप ही के क्षेत्र में, जब मैं बहुत पहले की बात है, 1995 की बात है, मेरे से गुजर रहा था तो एक संत थे, उन्होंने अपना लिंग का ही छेदन कर दिया था। काम वासना से इतनी क्रोध की जो उन्होंने अपने लिंग को ही काट दिया। क्या इससे काम वासना मिट गई? उससे तो काम वासना के प्रकटीकरण है, काम वासना तो हमारे दिमाग में है, और काम वासना को मिटाने की कौन सी जरूरत है? ईश्वर ने हमें मिटाने की जरूरत दिया, समुचित उपयोग के लिए दिया है, और उसके विज्ञान को जानने के लिए दिया है, और वहां से हम काम से ब्रह्मचर्य में कैसे प्रवेश कर जाएंगे, उसके लिए हिजड़ा बनने के लिए नहीं दिया है। ब्रह्मचर्य का मतलब हिजड़ापन नहीं है,
तो जब हमें समुचित जिज्ञासा नहीं होगी तो हम उल्टा और विरोधी हो जाते हैं और अनसुनी बात को इधर उधर की बातों को लेकर के हम उस एक नया उपद्रव खड़ा कर देते हैं। क्रोध भगवान ने हमें दिया है तो क्रोध क्यों दिया है? क्रोध का कुछ उपयोग है, क्रोध से नाश भी होता, सही बात है, लेकिन क्रोध से हम अपने आप बचाव भी कर सकते हैं। क्रोध का सही उपयोग करना है, भगवान ने भी क्रोध किया। भगवान राम ने भी कहा कि लक्ष्मण लाओ मैं इसको समुद्र को सुखाऊंगा, ऐसे नहीं मानेगा ये, क्रोध किया। क्रोध की उपयोगिता है, हर चीज की उपयोगिता है जो हमें प्रदान की गई है। द्वेष की भी उपयोगिता है, द्वेष भी दवा का काम करता है अगर उसकी मात्रा सही हो तो। जिज्ञासा ध्यान यही है कि हम सही मात्रा समझें, सही समय समझें, सही समय में सही चीज को रख देना, सही समय में सही चीज को कर देना। तो हम ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करें कि हम यथार्थ को समझ सकें कि वास्तव में इसका क्या उपयोग है, इसका क्या दुरुपयोग है, हम कहाँ इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे नहीं। हमें वैर भाव नहीं करना है, क्रोध से मुक्त होना है। और मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि मैं क्रोध नहीं कर सकता, मुक्त होने का मतलब है कि क्रोध को मैं अपने हिसाब से गाइड कर सकता हूं। अब हमारे वह नियंत्रण में रहेगा, वो मनमाना नहीं होगा, यानी इंद्रिया से जो है ये हमारे बस में रहे, अन्यथा इस तरह से निग्रह से करने से क्या होगा। भगवान ने उस तरह के निग्रह को भी मना किया है, प्रकृति म्यांति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं ये तो प्रकृति पृथक है, इसमें निग्रह क्या कर देगा, जोर जबरदस्ती क्या कर देगा, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। विषयों का जो चिंतन है वो आप मन से कर रहे हैं और उसको ऐसे छोड़े हुए हैं, ऐसे बलात् उसको जो है हटाए हुए हैं, तो उससे जो है हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रिय अर्थात विभोर आत्मा मिथ्याचार स उच्चयते, अर्थात कि हम अपने कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती रोक दें और उनका जो विषय है, उस इंद्रिय का जो विषय है, जैसे आंख का जो विषय है दृश्य देखना, मन का विषय है सोचना, हाथ का स्पर्श का विषय है, ये सब जो विषय है एक एक हमारे अंगों के, उन अंगों के विषयों को हम जब बलात् रोक दें और मन से वही सोचते रहें, तो ऐसे को भगवान ने कहा कि मिथ्याचार उच्चते, वैसे आदमी को ही भूमि पाखंडी कहा जाता है। तो उस तरह का हम जबरदस्ती दमन करें तो कोई बात नहीं, हमें उसका विज्ञान समझना है। भगवान ने कहा पाप मानम नहीं है वरम, ये जो है ना पाप को बढ़ाता है कौन, क्रोध। ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि ये पाप को बढ़ाता है और ज्ञान विज्ञान को नाश करता है, तो ये ज्ञान विज्ञान का नाश करता है, उसको बढ़ाता है, हमारे पापों को बढ़ाता है, तो इससे हमें मुक्ति पानी है। तो मुक्ति पाने के लिए उन्होंने रास्ते बताए, उन्होंने तरीके बताए, उन तरीकों को साधना में बताया जाता है। संतों के यहाँ आप संपर्क में जाएंगे तो बताते हैं कि इसे काम से कैसे मुक्ति होगी, क्रोध से कैसे मुक्ति होगी। हम अपने श्वास की गति को नियंत्रित करके काम क्रोध लोभ मोह भय सबसे मुक्त हो सकते हैं। आप अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे भीतर जो श्वास प्रश्वास है इसका संबंध हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, और इसका संबंध हर चीज से है, हमारे दिल की धड़कन से, हमारे मांसपेशियों से, सब चीज से है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, यदि सामान्य मनुष्य का आंका जाए कि आदमी सांस कैसे लेता है, तो एक मिनट में अमूमन आदमी 22 सांस लेता है, एक औसत स्वस्थ व्यक्ति। यदि वह अपने श्वास को धीमा करता चला जाए, हाले आराम से बैठे, श्वास तेज कब होता है जब हमारे में कामनाएं ज्यादा होती है,
जब हम ज्यादा गति से काम करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, बलात् जबरदस्ती जल्दी आज तुरंत तुरंत सफलता जाता है, इसीलिए भाग दौड़ में लगा है। तो अगर आपको सिद्ध करना है तो क्या कीजिए, स्थिर बैठिए, स्थिर चलिए, स्थिरता पूर्वक सभी। और इसीलिए पतंजलि जी ने स्थिरता पूर्वक को ही आसन कहा है, ऐसे आसन नहीं कहा है। हम जब कुछ भी चीज करते हैं स्थिरता पूर्वक करते हैं, स्थिर सुखम महासन, पतंजलि जी ने परिभाषा दिया है आसन का कि स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक अगर हम बैठते हैं तो आसन है। तो अगर हम स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक किसी चीज को करते हैं तो ज्यादा गति नहीं होगी, और जब ज्यादा गति नहीं होगी तो सांस की गति तेज नहीं होगी, सांस हमारा स्थिर रहेगा, और जब सांस स्थिर हमारा होगा सांस की गति अपने आप ड्रॉप होने लगेगी, डाउन होने लगेगी। और जो हम आ जाते हैं 15 सेकंड पर, 15 सांस पर, सॉरी 1 मिनट में 15 सांस पर जब हम आ जाते हैं, जैसे बताया ना 22 सांस है, तो 15 सांस पर आ जाते हैं तो आप समझिए कि अपनी साधना शुरू हो। और अभी आप लोग यहीं पर खुद बैठे हुए हैं, अभी अभी आप प्रयोग करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर 15 मिनट ये 15 सांस 1 मिनट में आप लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप क्रोध नहीं प्रकट कर पा रहे, यानी स्थिरता पूर्वक अभी आप बैठ करके सांस पर आप ध्यान देंगे और 1 मिनट में 15 सांस प्रश्वास आएगी जाएगी तो आप पाएंगे कि आप क्रोध प्रकट नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग स्थिर हो गया। उसी तरह से आप जैसे जैसे नीचे गिरते जाएंगे 14, 13, 12, 11 इस तरह से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो लोभ से, मोह से, घृणा से, इन सबसे आपकी मुक्ति होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। 1 मिनट में एक सांस आप ले सकते हैं तो आपका जो स्थूल अहंकार है ये नष्ट हो जाएगा, सूक्ष्म अहंकार में प्रवेश हो जाएगा। अगर 2 मिनट में एक सांस आप ले पाएंगे, इतने अपने को साध लेंगे, तो आपके भीतर से जो दर्द नाम की चीज है वो समाप्त होने लगी, और 3 मिनट में तो पूर्णता समाप्त हो जाएगी। यानी 3 मिनट में यदि आप एक सांस लेते हैं, इतने अपने शरीर को साध लेते हैं, काफी लंबा समय, काफी लंबा तप चाहिए, तो आपके शरीर में पीड़ा नहीं हो सकती। एक संत है मुगलों के समय में, तो उनको बुलाया गया और मुगल बादशाह ने काफी चिढ़ते थे संतों से, मुगल बादशाह था, कहीं इसको दंड देना है, इसके बहुत अनुयायी प्रचारक हैं, तो मैं इसको जहर खिला दो, जहर खिला दिए, दर्द से मरेगा तब तक करके मजा आएगा देखने में, तो जहर खिलाए तो जहर का कुछ असर नहीं हुआ, तो कहे अरे जहर खिलाया गया तो माता कुछ असर नहीं हुआ, अभी तक तो और भी अच्छा है, असर नहीं हुआ तो क्योंकि ना तो और मजा आएगा, जिसको और जहर खिलाओ, मात्रा और बढ़ाओ, मैं ये देखना चाहता हूं कि कितना जहर हजम कर सकता है, और खिलाओ। और 3 दिन तक जहर देते गए, अंत में जा करके 3रे दिन उसकी मृत्यु हुई। तो जहां से जो दर्द उत्पन्न होता था अपने श्वास के माध्यम से, जो साधक होते हैं ये उसको साधते हैं, और उनमें विष का असर बहुत कम हो जाता है। परंतु ऐसे दुष्ट लोग हैं जो कि हर प्रतिभा को नष्ट करना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह की प्रतिभा हो। तो हम लोग के समाज में ऐसे ऐसे राक्षस उत्पन्न हुए जिन्होंने प्रतिभावानों को नष्ट किया है, चाहे शरीर से कोई प्रतिभावान हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो। तो ऐसे लोगों के हाथ में जब सत्ता चली जाती है तो प्रतिभाओं को उत्पन्न नहीं करते हैं और राक्षसों को उत्पन्न करते हैं, और जो प्रतिभावान है उनको नष्ट करते हैं। तो अब तो सत्ता सामान्य लोगों के जरिए निर्धारित हो रही है, तो सारी जिम्मेवारी जो भी है नेताओं की मैं नहीं मानूंगा, मैं सामान्य लोगों की ही मानूंगा।
क्योंकि सामान्य लोग ही उनको चुन रहे हैं, तो कोई कट्टा दिखा करके तो बन नहीं रहे हैं। हम लोग के कानून नियम से ही बन रहे हैं, तो हम लोग के नियम कानून के मुताबिक ही जो हो रहा है तो इसमें हम ही लोग दोषी हैं। लोग कहते हैं कि वो भाग गया माल्या पैसा लेके भाग गया बैंक से, तो नीरव मोदी भाग गया तो कोई कोई भाग गया। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई मिसाइल ले आया था, बैंक मैनेजर को हटा दिया कि मुझे पैसा दो। इसी कानून के तहत जो कानून हमारे नेताओं ने बनाया है उससे मिलकर के उन्हीं कानून के तहत उसी के हवाले उसने पैसा लिया दिया, तो हमारे कानून में दोष है। कितने लोग ये कहते हैं कि कानून जो है हम लोग का सही है, उसके अनुपालन में दोष है, उसके क्रियान्वयन में दोष है। मेरा कहना है कि क्रियान्वयन का जो कानून है वह आपका गलत है। इस वजह से नहीं तो क्रियान्वयन का कानून क्यों बना, क्यों नहीं बनाया आपने? एक सिद्धांत का कानून बनाया, क्रियान्वयन का भी कानून बना लेते तो दिक्कत नहीं आती। तो क्रियान्वयन का कानून बनाएंगे तो ये सही हो जाएगा। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर सभी को जिज्ञासा करके, चिंतन करके, उसका एक समाधान प्रस्तुत करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो जिज्ञासा है श्वास के माध्यम से हम लोग शरीर के एक एक अंग को जान सकते हैं, दिमाग के एक एक हिस्से को जान सकते हैं, अपने विचारों को जान सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कर्म कुकर्म करते हैं। और अर्जुन यहां पर जो है भागना चाह रहा था युद्ध, इसी में वो कह रहा है तत्किन कर्मणि घोरे मान नियोजसी केशव, क्यों मुझे घोर कर्म में लगा रहे हो? वो उन कर्मों को घोर समझ रहा है, वही जिसने वो पला बढ़ा है। क्यों घोर समझ रहा है? क्योंकि सामने में जिससे लड़ना है वे अपने ही है, तो अपनों का जो मोह है वो हमारे सहज काम को भी घोर बना दे रहा है। और भगवान कृष्ण को निमंत्रण देकर के भी बुला लिया, बिचारिये ये भी कह दिया साथी बन जाइए। तो एक छत्री को सारथी बना दिया, वो उसके लिए भी तैयार हो गए। उनको कुछ भी बना देता तो तैयार हो जाते, प्रेम बस आदमी किसी चीज के लिए तैयार हो जाता है। और फिर उसी कर्म से स्वयं उपराम हो गया, उससे भागना चाह रहा है क्योंकि अपने सहज कर्म को नहीं समझ रहा है। हम अपने सहज कर्म को समझें। आज पूरे मानव समाज में इतना कष्ट दुख है, इतने रोग हैं, इसके लिए इतने अनुसंधान चल रहे हैं, और मनुष्य की लगातार ये जिज्ञासा है कैसे हम शांतिपूर्वक जी सके, लेकिन जी नहीं पा रहा है मनुष्य। अब जी नहीं पा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि हम जो मूल जो सिद्धांत है भगवान के, वहां से हम भटक गए। भगवान ने जो समाधान प्रस्तुत किया है उस समाधान से हम भटक गए, हम नहीं मानते हैं। हम उनसे ही द्वेष करते हैं, उनसे ही ईर्ष्या करते हैं, उनसे ही चिढ़ते हैं, उन्हें को प्रतियोगी मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हम वहां से भटक गए, और अब हम सोचते हैं कि हमारी जिज्ञासाओं का समाधान जो है ये वैज्ञानिक और ये विचारक कर दें, भगवान ने जो किया है वो सही नहीं है। तो अब ये वैज्ञानिक ये विचारक कब वैसा खोज करके ला पाएंगे, यही समाज को देखना है। क्योंकि इन्हें की वे मान रहे हैं अंदर से, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने सुविधाएं दी है, और ये सारी सुविधाएं जो हमें प्रदान की गई हैं ये सुविधाएं हमारे लिए फिर से एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, नई समस्याएं वो खड़ी करते जा रहे हैं। हम कुछ भी बना रहे हैं एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम लोगों ने बना तो बहुत सारा सामान दिया, परंतु हमने और जटिल कर दिया जिंदगी को। दिल्ली के लोग हैं, इतना इतना प्रदूषण है वहां, सब फेफड़े के मरीज हो गए, सांस के मरीज हो गए, वो सारे वो कहां से, वो धुआं लगा हमने खुद उत्पन्न किया है। जो हमने उत्पन्न किया है उसको भोगना भी हमें ही है। अभी मैं वो रिपोर्ट कर रहा था एक वर्ल्ड बैंक का, सॉरी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें कहा गया कि 80 करोड़ लीटर प्रतिदिन यहां नकली दूध बन रहा है इस देश में, जिससे देश के 87% लोग कैंसर के मरीज हो जाएंगे अगर यही हाल रहा तो, बनता रहा तो 87% लोग कैंसर के मरीज हो जाएंगे। इतनी मिलावटें हो रही हैं, लोग हम लोगों का इतना बढ़ गया है, इतनी मिलावटें हो रही हैं, उससे हम लोगों ने
अपने जीवन को स्वयं ही नरक बना लिया है। तमाम तरह की ये जो गायें हैं जो दूध देती हैं, अभी फ्रिजियन है और कौन कौन गायें हैं, वे सब गायें उनके दूध को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ब्राजील ने रिजेक्ट कर दिया उस दूध को कि उस दूध से रोग उत्पन्न होता है और तमाम फैल गया। आप वे वहां कटवा रहे हैं, उन गायों को कटवा के हटा रहे हैं और भारत के देसी गाय बुला रहे हैं कि इसी से ही जो है स्वास्थ्य होगा। तो आने वाले समय में फिर इसी देसी गाय का वो, चूंकि देसी गाय को वहां ले जाएंगे तो वो वहां पर नहीं जी पा रही है, तो यहीं पर वे लोग जो है फंडिंग कर रहे हैं, यहीं पर जो है गौशाला खोल दीजिए और यहाँ पर बेड़ी करा रहे हैं और यहीं से फिर गायों को ले जाएंगे, दूध का संचालन करेंगे। तो जो जो काम हम खुद करते हैं उसी वही काम हमारे लिए फिर समस्या उत्पन्न कर देता है, क्योंकि हम लोग अपने मूल चीजों से भटक जाते हैं। तो तमाम तरह की जो जिज्ञासाएं हम लोगों की है, वे जिज्ञासाएं हम लोगों की अगर हमें वेद तक ले जाती हैं, उपनिषद तक ले जाती हैं, गीता तक ले जाती हैं, तो समाधान तो दे देती है, और नहीं तो फिर हम लोगों को अन्य समस्याओं में फिर उलझा देती है। और यही हो रहा है, जितने भी संत महात्मा लोग हैं वो अन्य उपदेश देते हैं, अन्य तरह के उपदेश, मनमाना उपदेश देते हैं, तो इस समाज को भटका देते हैं। लाखों लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है और मैं देखता हूँ वे जो प्रवचन कर रहे हैं, एक अभी एक जेल में चले गए महात्मा जी और राम राही। तो बहुत पहले मैं दिल्ली में था, मैं बता रहा हूँ करीब 2005 की बात है, उस वक्त मैं दिल्ली में था तो वहां पर लोग आए थे मेरे पास और कह रहे थे आप वो उनके बारे में सुने हैं डेरा सच्चा सौदा। तो मैंने कहा मैंने सुना तो नहीं है। अरे बहुत बढ़िया स्थान है, वहां जाइए कभी। मैंने कहा कि कौन है संत, तो ये लोग बताए राम रहीम इंसान नाम है। तो मैंने कहा कि आपने जो आश्रम का नाम बताया और जो उनका नाम बताया, इसी से ही मैं जान गया हूं कि वो कैसे हो और वहां क्या हो रहा होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आश्रम का नाम सौदा के रूप में रखता है, वह व्यक्ति एक व्यापारी ही हो सकता है, वह व्यापारी हो रहा होगा और वह व्यापार वो ऐसा विचारों का व्यापार नहीं हो रहा होगा। वहां तो यही जो सामान्य छिछले स्तर के जो व्यापार होते हैं वही व्यापार हो रहे होंगे। जिसको संस्कृत का कुछ भी पता नहीं है, जो एक मंत्र नहीं बोल सकता, एक श्लोक नहीं बोल सकता, वैसे ऐसे व्यक्ति संत और महंत बने हुए हैं और उपदेश भी बांट रहे हैं। जिस व्यक्ति के आचरण में भटकाव आ गया है, जो आचरण निहित किया गया है, वह व्यक्ति हमारी जिज्ञासाओं का कैसे शांत कर सकता है। जो अपने नाम के प्रति कंफ्यूज हो गया कि मैं राम रखूं कि रहीम रखूं, तो उसने दोनों रख लिया भटकाने के लिए लोगों को, फिर संतुष्टि नहीं मिली तो इंसान भी रख लिया। अरे तब इंसान ही रख लिए होते। लेकिन ये जो भ्रांति है, मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा कि जिज्ञासाएं यदि हमारे शास्त्र में नहीं जाती है, वेद उपनिषद में, गीता में, तो हमें भटका दें। तो वह जिज्ञासा जो हम अपने में उत्पन्न करते, जो हम पाते हैं आखिर हमारा पेट खराब है तो क्यों खराब है, हम दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। जब पेट हमारा खराब है तो हमको खुद शोध करना चाहिए ना। यदि हमें घुटने में दर्द है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं, हमें शोध करना चाहिए खुद, घुटना मेरा है, दर्द मेरा है, तो दर्द से मुक्ति भी हमारी होनी चाहिए। हमें खुद पता लगाना चाहिए कि आखिर क्यों कर रहा है दर्द और इसको मैंने क्या किया कि ये दर्द करने लगा, अब मैं क्या करूंगा कि ये दर्द नहीं करेगा। तो अपना शरीर का अपना प्रयोग खुद कीजिए, आपको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, कौन सा भोजन आपको खाना चाहिए, कौन नहीं खाना चाहिए, यह आपको स्वयं पता लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग हर समय रेडीमेड आंसर की ओर भागते हैं, जो उत्तर कहीं बने बनाए हैं वहां की ओर भागते हैं। हम लोग दौड़ के उसके पास जाते हैं, कहते हैं वो एक्सपर्ट है, उसके पास जाएंगे समाधान मिलेगा।
मैं ये नहीं कहता एक्सपर्ट पास नहीं जाना चाहिए, परंतु हमारा प्रथम दायित्व क्या है कि हमें स्वयं पर शोध करना चाहिए। जब हमारी बुद्धि हमारी अकल नहीं काम करे, हर तरीके का उपाय हमने कर लिया, जब फेल हो गया तभी हमें जाना चाहिए कहीं और, लेकिन हम प्रथम समाधान के लिए वही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा समय बच जाएगा, भले हमारा कुछ पैसा लग जाएगा, लेकिन यह जो रेडीमेड आंसर है हमें दूसरे पर निर्भर बना देता है और हम उसके दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। और जब हम गुलाम बन गए, दास बन गए, हमारी बुद्धि गुलाम बन गई, हम सोचने तक के लिए गुलाम हो गए। हालत ये हो गई है कि आप पूरे वर्ग को देख करके बता सकते हैं कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा हो, सोचने के दायरे तक सीमित हो चुके हैं। उसकी जिज्ञासा क्या हो सकती है, उसके सिद्धांत क्या होंगे, व्यक्ति अपना सोच छोड़ दिया है। अमुक व्यक्ति अमुख ही सोचेगा, ये निर्धारित हो गया। बताइए हम लोग क्या गुलाम नहीं हो गए? अब हम लोग की जिज्ञासा क्या हो कि अमुक व्यक्ति अमुक दायरे में सोचेगा।